तो अब आज से पता ही चल रहा होगा कितने क्रिस्पी हमारे डोसे बने हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी अमेजिंग से हमारे ये डोसे रेडी हो चुके हैं। कोई बता सकता है इसको? केवल हमने आधा से पौन घंटे की प्रिपरेशन से बनाए हैं, ना ज़्यादा दाल चावल 5-6 घंटे भिगोए, ना फर्मेंटेशन के लिए डाला, और सिंपल रोटी के तवे पर हमने इन डोसों को बनाया है। बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्विक रेसिपी है। जब भी अचानक से मन करे डोसा खाने का तो आप इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। हेल्दी है, ज़्यादा घी का हमने यूज़ नहीं किया है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे डोसे। मैं आज रेसिपी आपके इतने अमेजिंग क्विक तरीके से लेके आई हूँ जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, और बहुत ही खास ट्रिक के साथ में आज ये रेसिपी बनेगी। बहुत ही आसान तरीके से कि कोई बिगनर भी इसको बना सकता है। घंटों का झाड़ बिल्कुल ख़त्म हो गया है कि आपको घंटे इसको भिगोना पड़ रहा है दाल चावल को, और फिर फर्मेंटेशन के लिए रखना पड़ रहा है। तो बहुत ही आसान तरीके से ये डोसा आपका बन जाएगा। अगर आपका सडनली मन करेगा तो आप जल्दी से ये बना सकते हैं बिना किसी झंझट के, बिना किसी फर्मेंटेशन के। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, जिसको बनाना बहुत आसान है और ना ही कोई झंझट है, ना ही कुछ आपको स्पेसिफिक पैन चाहिए। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 कप उड़द दाल और 1.5 कप मैंने यहाँ राइस लिया है। ये रॉयल बासमती राइस है। इसका पानी निकाल लेंगे और इसको अच्छे से सोक करके रख देंगे। इतने हम स्टफिंग बना लेते हैं। बनाने के लिए मैंने यहाँ एक पैन लिया है, उसमें 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है, ये रिफाइंड ऑयल है। और सॉरी, मैं मेथी डालना भूल गई थी, तो दाल में आप 1 TSP के अराउंड मेथी भी डाल दीजिए, इससे डोसे हमारे क्रिस्पी बनेंगे। आ जाइए पैन की साइड, इसमें डालिए 2 TSP के अराउंड मस्टर्ड सीड, ब्लैक मस्टर्ड सीड, कुछ 15-20 पत्तियाँ आपको लेनी है करी लीव्स की। इसको अच्छे से सॉटी करना है आपको, और फिर हमें ऐड करने हैं बाकी के बहुत ही ज़्यादा बेसिक मसाले। कुछ लोग इसकी अनियन की स्टफिंग रखते हैं, बट मैं ये आपको बिना किसी अनियन के बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने डाला है, यहाँ पर ज़ीरा डाल दिया है, टर्मरिक, थोड़ा हल्दी डाला है, धनिया पाउडर डाला है, और इसको अच्छे से मिला लीजिए। और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, क्योंकि हम स्टफिंग में जो आलू के साथ ना थोड़ा सा ग्रीन चिली यूज़ करेंगे कच्ची काट के। तो यहाँ मैंने 2 टमाटर चॉप करके उसमें अदरक मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है, और ग्रीन चिली ले ली है 2-3, बाकी आपका जो टेस्ट हो आप उसको कर लीजिए। और इसको हमें पकाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। तो प्लेट में जिसमें हमने कट किया था उसी का पानी हमने डाल देना है, और इसको हमें ढककर पकाना है 5 से 10 मिनट के लिए, जिससे कि हमारा ये रेडी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने चटनी बनाने के लिए लिए हैं रोस्टेड पीनट, थोड़ा सा कोकोनट और थोड़ा सा अदरक का पीस, और कुछ 3-4 मिर्चें डाली हैं मैंने, हरी मिर्चें डाली हैं, और उसमें मैंने डाला है लेमन जूस, और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला है। उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो देखिए अभी ये बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, और इसको पानी डाल के हम अच्छे से फिर से ब्लाइंड कर लेंगे। और इतने हम क्या चेक करते हैं, हमारी जो स्टफिंग रेडी हो रही थी, तो हमारे जो हमारे टमाटर हैं वो पक चुके हैं। इसको अच्छे से हम मैश कर लेंगे, अच्छे से दबा दबा के अच्छे से, जिससे कि घुला मिला सा हो जाए। और इसमें हम ऐड करेंगे हमारे उबले हुए आलू। तो जो हमारे आलू हैं, ये मैंने 3 से 4 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। इसको अच्छे से और प्रेस कर करके हाथों से मसल मसल के हम डाल देंगे, क्योंकि स्टफिंग हमारी डोसे के अंदर जाएगी, तो अगर मोटा मोटा छोड़ेंगे तो टेस्ट नहीं आएगा। तो बस कुछ इस तरीके से हमें करना है। तो बस कुछ इस तरीके से आपने ये आलू भी मैश करके डाल देने, और इसके मसाले में थोड़ा सा नमक डाल दीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसको अच्छे से मिला लीजिए हल्के से, अच्छे से दबा दबा के। इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है 1-2 मिनट लगा के, जिससे कि जो हमारा स्टफिंग वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। ट्रस्ट मी फ्रेंड, जो अनियन गार्लिक खाते हैं, अगर इस तरीके की सिंपल स्टफिंग रेडी आप करेंगे, इससे ज़्यादा टेस्टी कुछ हो ही नहीं सकता, और बहुत ज़्यादा टेस्टी ये बिल्कुल आपका अनियन गार्लिक फ्री टेस्टी सी स्टफिंग रेडी हो जाएगी। आप इसको जनरली भी ऐसी पराठे के साथ भी खा सकते हैं, फिलहाल तो हम डोसे के लिए बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी स्टफिंग हमारी रेडी हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया, थोड़ा ड्राई हो रहा है इसलिए थोड़ी सी हमें ड्राई नहीं चाहिए, तो हल्का सा बस ऐसे पानी डाल के थोड़ा सा, और इसको लिड लगा के बस 1 मिनट और पकने देंगे, बाकी हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। इसको ठंडा करके साइड में रख लेंगे। तो देखिए अभी हमने क्या करना है, हमारी चटनी में भी हमने पानी डाल के अच्छे से निकाली, हमारी चटनी बिल्कुल एकदम रेडी है। बहुत ज़्यादा टेस्टी हमारी चटनी रेडी हो चुकी है, और बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर हमने स्टफिंग भी चेक कर ली है, स्टफिंग भी हमारी रेडी हो चुकी है, मैंने 1 मिनट पानी डाल के पका लिया था, और कुछ इस तरीके से हमारी स्टफिंग रेडी है, और इसको हम एक पैन में निकाल लेंगे।
तो देखिए एक हमने एक पैन ले लिया है, अब हमें चौका तैयार करना है अपनी चटनी के लिए। तो यहाँ पे 2-3 टेबलस्पून मैंने लिया है ऑयल, उसमें डाला है 1 टेबलस्पून के अराउंड अपना सरसों के दाने, और यहाँ पे करी लीव्स डाल दिए, थोड़ी सी लाल मिर्च एक साबुत वाली डाल दी है, और बस जैसी चटकने से लगे और आपको अपनी चटनी में डाल देना है। बहुत ज़्यादा टेस्टी क्विक चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। तो देखिए चावल हमें अब आधा घंटा इन सब कामों में लग गया, तो हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं। चावल इतने होने चाहिए कि आप थोड़ा सा नाखून मारें ना तो वो इस तरीके से टूटने लगे, मतलब हमारे इतने आधा घंटे में सफिशियंट है हमारा स्टफिंग के लिए, जो हमारा डोसे का सॉरी है उसके लिए। तो अब हम क्या करेंगे, हमें कम से कम पानी ऐड करना है और हमें अपने चावल पीस लेने हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा चावल का मिक्सचर है, तो ये इस तरीके का थोड़ा सा आपको ऐसे तो नहीं पता चलेगा कि पेस्ट कैसा है, पर ये छूने से ना थोड़ा सा दरदरा सा लगेगा। तो देखिए कुछ इस तरीके का ही रहेगा टेक्स्चर, और थोड़ा सा आप पानी अगर नीड लगे तो आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें 1/4 कप पानी डाला, और इस तरीके से फिर से ब्लेंड कर लीजिए। और देखिए कुछ इस तरीके से हमारा जो बैटर का जो चावल का है बैटर वो रेडी हो चुका है। इस तरीके से फेंट लीजिए, और फिर उसी पैन में आपने डालनी है दाल, और इसमें मैंने 3/4 कप डाला है कर्ड, और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। तो दाल तो एकदम से स्मूथ बिल्कुल चिकनी चिकनी हो जाएगी, चावल में हल्का सा दरदरापन रहेगा। और उसी पैन में हमें निकाल लेना है अपना दाल भी और दही का मिक्सचर, और इसको अच्छे से मिला लीजिए पहले, जिससे कि चावल और दाल का मिक्सचर अच्छे से रेडी हो जाए। और अगर आपको लगे तो थोड़ा सा पानी और डाल लीजिए। तो इतने बैटर में मैंने करीब 1 कप पानी यूज़ कर लिया था, और कुछ इस तरीके से हमने बैटर तैयार कर लेना है। तो बैटर की कंसिस्टेंसी हमें, क्योंकि हम डोसा बना रहे हैं तो फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी की तरह भी नहीं, बट ठीक है फ्लोइंग कंसिस्टेंसी रहेगी तो आपके डोसे अच्छे निकलेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने डोसे का बैटर तैयार कर लिया है, और यहाँ हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हम डालेंगे सॉल्ट, और सॉल्ट के बाद हमें डालना है, पहले अच्छे से मिला लीजिए जिससे कि सब अच्छे से मिल जाए। तो देखिए इस तरीके की फ्लोइंग कंसिस्टेंसी हमारी रहेगी, और इसमें हमने डाला है 1/4 TSP के अराउंड सोडा। तो मुझे थोड़ा सा टाइट लग रहा था बैटर, तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाल के हल्का सा फ्लोइंग सा कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने नॉर्मल सा रोटी का तवा लिया है, आप देख ही रहे हैं इसकी कंडीशन देख के आपको पता चल रहा है, ये रेगुलर डेली जिस पे मैं रोटी बनाती हूँ वो ही तवा है, मैंने कुछ अलग से नहीं लिया है। और इस तवे को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे, आपको देख के लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा हमारे चलेंगे नहीं चलेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे डोसे, बहुत ही परफेक्ट हमारे डोसे रेडी हो जाएंगे। तो हमारा गरम हो चुका है, हमने हल्का सा ऑयल अच्छे से स्प्रेड कर लिया है, और फिर इसको क्योंकि गरम है तो इसमें हल्का सा पानी डाल दिया, और अच्छे से पेपर टॉवल से मैं इसको हटा लूंगी, और डायरेक्ट अब हम इसमें डालेंगे जो हमारा डोसे का बैटर है। हमने उससे डोसे के बैटर से मैंने छोटा वाला जो TBSP होता है ना उसके अराउंड मैंने 3 टेबल स्पून इसमें बैटर डाला है, उस तरीके से अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। और बिल्कुल हाई फ्लेम रहने दीजिए, और हाई फ्लेम पर जब नीचे से बॉटम से ना हल्का सा ब्राउनिश सा आपको सर्कल सर्कल में दिखे ना तो समझ लीजिए हमारा डोसा एकदम से रेडी हो चुका है। हल्का सा ऑयल स्प्रेड करके आप इसको डोसे को निकाल सकते हैं। तो देखिए अभी मैं कंटिन्यू, मैंने कुछ कट नहीं किया है, कंटिन्यू ये आपका पता चल जाएगा आपको कितनी देर में, 1 से 1.5-2 मिनट लगेंगे आपको जब नीचे से बॉटम से ये ब्राउनिश होने लगेगा, और फिर आप अपनी जो स्टफिंग है आप वो उस पर लगा सकते हैं। और देखिए कुछ इस तरीके से हमारा डोसा बिल्कुल अच्छे से सिक गया है नीचे से, और अब हम इसको निकालेंगे। तो उससे पहले हम इसमें स्टफिंग लगा लेते हैं। तो देखिए ब्राउनिश आपको दिख रहा है, अब बाकी आपको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं पसंद है तो आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं, बट हमारे घर में इस तरीके से हल्के से ब्राउनिश खाए जाते हैं। तो देखिए हमने अब हल्के से स्टफिंग अच्छे से कर लेनी है, तो थोड़ी ठंडी हो गई हमारी स्टफिंग। तो कुछ इस तरीके से हमने क्या करना है, डोसा अच्छे से रोल कर लेना है। और कोई बता सकता है कितना क्विक हमने इसको बनाया है, और हमने इसके लिए कोई भी प्रॉपर डोसे का तवा नहीं लिया है, सेम फॉलो हमें करना है प्रोसेस। हल्का सा घी लगाना है, हल्का सा फिर इसमें पानी छिड़कना है, और हाई फ्लेम पे मतलब आपको फैलाना तो लो फ्लेम पर तुरंत इसको हाई फ्लेम में पकाना है। तो कुछ इस तरीके से आपका 1/1 करके डोसे रेडी हो जाएंगे। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आप एक एक करके करते रहेंगे ना तो आपके 15-20 मिनट बाद भी आपका जो पहले का 15-20 मिनट पहले का डोसा होता है ना वो भी क्रिस्पी ही रहेगा, कट कट करके अब आ जाएगी, और कितना अमेजिंग हल्के से हमने सोडा डाला और दही से अच्छे से फर्मेंटेड हो गया है, और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने आपको देखने से पता ही चल रहा होगा कितने पतले हमारे डोसे हैं। अब आज सुनिए कितना अमेजिंग टेक्सचर और कितने क्रिस्पी हमारे डोसे रेडी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आसान सी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां मिलेंगी आपको बहुत ही ईजी क्विक रेसिपी। और सब्सक्राइब के आगे के बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा जिससे आने वाली रेसिपी की अपडेट आपको टाइम पर मिले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय।
प्लीज सब्सक्राइब लाइक ऑन एंड शेयर माई चैनल थैंक यू।